ये देखिए, और जब चाबी ऑन करेंगे तो इसके अंदर यहाँ लाइट जलने लगेगी। अब सपोज आप चाहते हैं कि घर पर निकालना है तो इसको इजी बिल्कुल बाहर खींचना है और ये निकल जाएगा। देखिए सिंपल तरीका है। और अभी हम देखते हैं कि चार्जर काम कर रहा है या नहीं। तो सिंपल यूएसबी केबल है इसकी, इसको लगाइए और मोबाइल में लगाया और देखिए मोबाइल चार्जिंग दिखाने लगा। मोबाइल चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे मैं आपके साथ काम आएगा बोल्ट का चार्जर, और इसका पैकिंग देखिए, पैकिंग काफ़ी बढ़िया है। और ये इस टाइम 1947 रुपये, मतलब क्या, हाँ 1950 रुपये मान के चलिए, है ना, इतने के आसपास पड़ेगा। और इसको निकालते हैं तो इसका जो बॉक्स है ना, सबसे पहले तो मेरे को बॉक्स बहुत बढ़िया लगा। और इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पर इसका देखिए चार्जर दिखेगा आपको। इसका फ़ायदा सबसे अच्छा यही है कि जब आपको इसको यूज़ नहीं करना है तो इसको निकाल के रख देंगे, ठीक है, और जब यूज़ करना है तो इसको लगा लेंगे। कैसे लगाते हैं और कहाँ पर कैसे यूज़ करना है तो चलिए गाड़ी में देख लेते हैं कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसके फीचर्स होते हैं, कैसे ये काम करेगा। इसको फिट करेंगे आप तो आप हैंडल पे यहाँ पे फिट कर सकते हैं, या फिर जहाँ मैंने इस गाड़ी में कर रखा है आप इसको यहाँ फिट कर सकते हैं। और इसमें हमने बड़ा हैंडल डाला है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और इसका कनेक्शन सबसे मेन बात है कि इसका कनेक्शन कहाँ पर देना है। इसका कनेक्शन हमने दे रखा है मेन स्विच पर, जो इसका मेन स्विच है उसमें दे रखा है। मैं आपको एक बार खोल के उसके वायर आपको दिखा देता हूँ। तो इसका कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे, ये जो इसका ऊपर की साइड से देखिए वाइट रेड में वाइट पट्टी मिलेगी, प्लस उसमें लगाना है, माइनस आप ग्राउंड कहीं पे भी दे सकते हैं, बॉडी में ग्राउंड कहीं पे भी दे दीजिए और ये काम करना चालू कर देगा। और जैसे हम इग्निशन ऑफ करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और अब हम आते हैं ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा चार्जर है इसका। और चार्जर को जैसे देखिए इस तरह बिल्कुल फिट करना है, ये देखिए, और जब चाबी ऑन करेंगे तो इसके अंदर यहाँ लाइट जलने लगेगी। अब सपोज आप चाहते हैं कि घर पर निकालना है तो इसको इजी बिल्कुल बाहर खींचना है और ये निकल जाएगा। देखिए सिंपल तरीका है। और अभी हम देखते हैं कि चार्जर काम कर रहा है या नहीं। तो सिंपल यूएसबी केबल है इसकी, इसको लगाइए और मोबाइल में लगाया और देखिए मोबाइल चार्जिंग दिखाने लगा, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे इग्निशन ऑफ करूँगा, देखिए आपका मोबाइल चार्ज 50% हो चुका है। और यहाँ पे इग्निशन ऑफ करेंगे और ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। सबसे मेन फ़ायदा इसका यही है कि जब हम चाबी से इग्निशन ऑफ करना चाहें ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये घर पे लगा ना रहे, मतलब 24 घंटे ना रहे, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी लगाएं, तो इसको आप आराम से निकाल के रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अलग से, क्योंकि गाड़ी में लगा रहता है तो बच्चे लोग छेड़ते हैं, कुछ लोग छेड़ते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो ये सबसे सिंपल मेथड है। अगर आपको ये बाय करना है तो इसका भी एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में है, अच्छी क्वालिटी है, चाहो तो बाय कर सकते हैं। और बहुत इजी है, थोड़ा कॉस्टली है पर चीज़ बढ़िया है। अच्छा, इसके साथ एक बैग भी आता है बुल्ट का, जो मोबाइल कैरी करने के लिए है। और ये नेविगेटर का भी काम करेगा इसके अंदर, आप इसका खुद का बुल्ट का ऐप आता है जो नेविगेटर का भी काम करेगा, मैप का, जैसे गूगल मैप आता है ना, ऐसा बुल्ट का ऑफिशियल एक वो है प्ले स्टोर में ऐप, और ये नेविगेटर का भी काम करता है। तो अगर आपको बाय करना है और ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाय करना है तो बताइए, इसका बुल्ट सीधे साइट है इसकी www.bult.com, तो वहाँ से सीधे ऑफिशियल इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं आप, और चाहें तो बाय कर सकते हैं।